ओके, असाइनमेंट नंबर, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 13, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज़ रिसेप्शन से इसके सॉल्यूशन का प्रिंट आउट लें, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 13 का। तो ये शीट के कुछ क्वेश्चंस का लेवल नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए ज़रूरी है, या ऐसा बोलूँ कि स्कूल के अंदर आएगा तो नहीं आएगा। स्कूल लेवल जो हमने लास्ट टाइम तक 3 लेक्चर में किया मोर देन सफिशियंट है। अगर आप वो करके जाओगे तो मुझे लगता है कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप कंपटीशन की बात करते हो तो मेंस और नीट लेवल उन्हीं लेवल्स में से आ रहा है आज की डेट में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बट कभी कभी क्या होता है कि लेवल जब एक क्वेश्चन पेपर सेट होता है कंप्यूटर उसको सिलेक्ट करेगा, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उस टाइम ये जो प्रैक्टिस हम करते हैं इन लेवल के क्वेश्चंस की वो कभी कभी हेल्पफुल हो जाती हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर हमें आइडिया ही नहीं होगा किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो एटलीस्ट हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन चीज़ों को देख के जाएँ, चाहे वो मुश्किल है चाहे आसान है जैसे भी है। तो मैं जो थोड़े लंबे क्वेश्चन हैं उनका शॉर्टकट बताऊँगा और साथ साथ मार्क भी करता जाऊँगा, करवाता जाऊँगा कि क्या चीज़ कब और कैसे करनी है। जैसे ये शीट आपको स्कूल के लिए नहीं करनी, आप लिख सकते हो नॉट फॉर स्कूल, ओनली फॉर कंपटीशन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया? क्वेश्चन ये है कि लेट अस सपोज आपके पास दो पार्टिकल्स हैं और साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन अ स्पेस हूज ग्रेविटी जी एंड U1 U2 इनकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं। हुआ क्या, वो कह रहे हैं एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, एक स्टूडेंट ने U1 वेलोसिटी से टॉप ऑफ द बिल्डिंग से राइट की तरफ एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया। एट द सेम टाइम दूसरी हाइट से किसी स्टूडेंट ने U2 से फेंक दिया, ये दोनों प्रोजेक्टाइल की तरह आई। ये लो, ये एक प्रोजेक्टाइल आया, ये एक प्रोजेक्टाइल आया, रास्ते में कहीं मीट करते हैं, जहां ये मीट करते हैं वहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, वहां पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? 90 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको ये बताना है कि ऐसा कब हुआ, टाइम बताओ। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की एक कि हमें प्रोजेक्टाइल एट अ टाइम एक प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना आता है और यहां पर दो इकट्ठे चल रहे हैं, तो हमने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। दूसरी प्रॉब्लम ये कि टाइम निकालना है मुझे, जब दो वेक्टर हवा में जब कोलाइड करेंगे या एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे और वो 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे, हमने इस टाइप की प्रॉब्लम तो एटलीस्ट कभी सॉल्व नहीं की। तो हम क्या करेंगे, हम इसे नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्टाइल को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स एक्सिस में अलग कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, वाई में अलग लेते हैं, दोनों के कॉम्पोनेंट्स को मिला लेते हैं, फिर नेट आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन में ऐसा करना बहुत लंबा तरीका माना जाएगा क्योंकि इसका x और y लेना, फिर इसका x और y लेना, फिर कंबाइन करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज दो दो चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। मैं देखो किसी भी वेक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप x और y कंपोनेंट अलग लो, या फिर आप i कैप j कैप में कर दो, बात ही खत्म है, फिर कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। i कैप j कैप इटसेल्फ आपको x y प्लेन में आंसर दे देगा। जैसे मैं इसमें ऐसे ही करने वाला हूं, जैसे अगर कोई प्रोजेक्टाइल इधर जा रहा है तो याद रखना इस डायरेक्शन का मतलब होता है i कैप, इस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है माइनस आई कैप, इसका मतलब क्या होता है जे कैप, इसका मतलब क्या होता है माइनस जे कैप। डन, देखो सपोज ये प्रोजेक्टाइल चला U1 वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली, रास्ते में कहीं ये t टाइम पे यहां कहीं पहुंचा होगा, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर मैंने लिखा हुआ है अप्लाई वी यू प्लस ए टी। नॉर्मली वी यू प्लस ए टी या तो x में लगती है या y में लगती है, ऐसा नहीं कि एक्स वाई प्लेन में लगती नहीं, एक्स वाई प्लेन में लगती है। एक्स वाई प्लेन का मतलब जब दोनों जब आप टेढ़ी मोशन में जब आप एक्स वाई प्लेन में काम कर रहे हैं लगती है, लेकिन फिर आपको ऊपर क्या लगाना पड़ता है वेक्टर। वेक्टर का मतलब कि आप आई कैप जे कैप में काम करेंगे और कंपोनेंट्स में काम नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए लगाया वी यू प्लस ए टी, जब एक प्रोजेक्टाइल U1 से चला और यहां पर वेलोसिटी वेक्टर निकल रहा है V1 वेक्टर, तो यहां का V1 वेक्टर क्या होगा, वी यू प्लस ए टी में V1 वेक्टर इज यू वेक्टर, U वेक्टर की डायरेक्शन कहां है अलोंग आई कैप, तो क्या लिखेंगे U1 आई कैप। कोई डाउट इसमें?
तो वी वन वैक्टर इज इक्वल टू यू वन आई कैप, क्लियर है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस ए टी। अब एक्सेलरेशन कहां पर है? जब भी कोई प्रोजेक्टाइल हवा से नीचे उतर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस जे कैप। तो लिखो यहां पर यू वन आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी कहां पर है? आई कैप प्लस जी टी, ए की एक्सेलरेशन की जगह जी टी, और पीछे क्या आएगा? माइनस आई कैप, करेक्शन करो, माइनस आई कैप, सॉरी माइनस जे कैप। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ये स्टेप? क्लियर है सबको? तो वी वेक्टर इज, वी इज यू प्लस ए टी करेंगे, वी इज यू प्लस ए टी में यू वन आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब इस अलोंग एक्स एक्सिस, एंड थोड़ी देर के बाद जो एक्सेलरेशन वाला कॉम्पोनेंट है वो माइनस जे कैप। पहला स्टेप क्लियर? सेकेंड वाले प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन बनाएं। सेकेंड वाला प्रोजेक्टाइल टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी एक्वायर करेगा? वी टू वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू टू। यू टू की डायरेक्शन कहां पर है? माइनस आई कैप। यू टू माइनस आई कैप इस तरफ है, और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इसके लिए भी नीचे है, तो ए टी, पीछे क्या आएगा? माइनस जे कैप। लगाओ यहां माइनस जे कैप, करेक्शन करो, तो यहां पर भी माइनस जे कैप, यहां पर भी माइनस जे कैप। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो दो वेक्टर की वैल्यूज पता लग गई एट टाइम टी, और मुझे पता है दो वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वी वन वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी टू वेक्टर। कोई डाउट इसमें? और जब दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। तो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, यहां पर करेक्शन करना, माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस करो, ऊपर से मैंने वैल्यूज पुट की हैं, तो माइनस माइनस क्लियर है यहां पर। तो डॉट प्रोडक्ट को जीरो करते हैं, देखो जरा, आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई, जे वाली टर्म जे से मल्टीप्लाई, तो यू वन इंटू यू टू विद माइनस साइन, माइनस यू वन यू टू, जे वाली टर्म जे से, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। क्लियर है यहां तक? तो ये टर्म राइट पे गई, तो राइट पे जाने के बाद ये वैल्यू आई, यहां से जी स्क्वायर नीचे आ गया, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अंडर रूट लिया तो टी की वैल्यू आ गई, तो आंसर आ गया। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, और कितने लोगों को ये फील आ रहा है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मेथड लगाना था? हाँ हाँ, ऐसा ही है, मेरे को भी ये लग रहा है, और कोई बात नहीं, अब पता लग गया, बस ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, अब आप प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको एक देख के एक्सपीरियंस हो गया, तो आपको आ गया बस। तो ऐसा नहीं, अपने आप नहीं आता, ये करके आता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? तो एक नई टेक्निक से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, और आज तक हमने ऐसी टेक्निक को कभी यूज़ किया भी नहीं। कोई डाउट इसमें? बोलो, तो फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा फिर? 60 डिग्री कुछ भी, तो डॉट प्रोडक्ट लगाएगा, वी वन वैक्टर डॉट वी टू वैक्टर इज वी वन इंटू वी टू इंटू कॉस ऑफ 60, बहुत है, इतना नहीं आएगा, मैंने कभी देखा नहीं, नहीं आता। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल भी अगर हो जाए तो बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में तो फिर जितने मर्जी बना लो, बट ऐसा होगा नहीं। मैं समझा नहीं, अगर कह तो रहे, देन द टाइम टी आफ्टर विच, अंडरलाइन किया हुआ है, देयर वेलोसिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली ऊपर से फेंकेंगे तो ऐसी परपेंडिकुलर आएंगी ना टाइम टी के बाद। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर टू हमने अभी किया नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन का टॉपिक है जो हमारा पेंडिंग है, और ये सबसे आखिरी लेवल का टॉपिक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हमने करना है, आज नहीं हो पाएगा, आज शीट मैंने दे दी है वैसे इंक्लाइंड प्लेन की, पर आज मैं कवर नहीं कर पाया दूसरे बैच में, तो आपका भी नहीं होगा, तो ये नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थ्री, एक बार प्लीज क्वेश्चन को रीड करें और समझें क्वेश्चन है क्या।
देखो क्वेश्चन ट्रिकी है, मुश्किल है थोड़ा सा, बट इसका मैं एक आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है आसान तरीके से। पहले एक्चुअल तरीका देखेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2√gh सच दैट इट क्लियर्स 2 walls ऑफ इक्वल हाइट h, ताकि बस वो यहाँ से चले, इस दीवार h हाइट को टच करती हुई, इसको टच करती हुई नीचे आ जाए। दो बार रास्ते में दीवार आएगी। एंड 2 walls आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2h, तो ये दो दीवारें कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं? 2h। व्हाट इज द टाइम इंटरवल ऑफ पासिंग बिटवीन द 2 walls, तो कितना टाइम लेगी ये यहां से यहां आने में? ठीक है यहां तक। जैसे इमेजिन करो कि जब ये बॉल यहां से चली, आपके हाथ में स्टॉप वॉच आपने ऑन कर ली t=0 पे, यहां से यहां मान लो टाइम हुआ है अभी t1, घड़ी में t1, यहां से यहां बढ़ गया टाइम t2, तो यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा? t2 - t1। तो t2 - t1 को मैंने क्या लिखा? डेल्टा टी। तो टाइम इंटरवल का मतलब यहां से यहां आने का टाइम इज डेल्टा टी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो अगर ये डेल्टा टी है तो आपको ये बताना है कि डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है। ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछता कि अगर ये हाइट h है और मैं आपको ये एंगल भी देता सपोज करो, और मैं आपको ये डिस्टेंस भी दे देता h भी और x भी और थीटा भी, और v तो दे ही रहा हूं, और आपसे तब ये क्वेश्चन पूछता और साथ में ये भी देता कि ये डिस्टेंस कितना है x, ये h की वैल्यू भी देता और एंगल भी देता, मतलब अगर मैं आपको इस दीवार का डिस्टेंस ओरिजिन से देता, इस दीवार का डिस्टेंस ओरिजिन से देता, तब आप ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए था आपको? आप सबसे पहले इसके लिए लगाते इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसी भी इंस्टेंट पर आपको y और x की वैल्यू का रिलेशन देती है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आप y की जगह पुट करते h, x की जगह जो मैं देता वो पुट करते, एंगल पता होता, वेलोसिटी पता होती, और आपको क्या नहीं पता होता? टाइम। तो वहां से टाइम t1 कैन बी कैलकुलेटेड। उसी तरीके से यहां पर भी आप लगा सकते थे y और x का रिलेशन, t2 की वैल्यू आ जाती, फिर दोनों टाइम को माइनस कर देते आंसर आ जाता। पर ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको x एक्सिस में बिल्कुल भी कोई दीवार का डिस्टेंस दिया नहीं, आपको सिर्फ इन दोनों दीवारों का डिस्टेंस दिया है, ओरिजिन से नहीं दिया कम से कम। तो देखो करने की टेक्निक देखते हैं। करने की टेक्निक के लिए सबसे पहले काम करते हैं डेल्टा टी टाइम लिया उसको क्रॉस करने के लिए। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि यहां से यहां कितना टाइम लगा आने में बॉल को, डेल्टा टी मानते हो। पॉइंट नंबर 2, यहां से यहां हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 2h। कोई डाउट इसमें? हॉरिजॉन्टल में 2h। तो अगर ये 2h है तो ये वाला डिस्टेंस भी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा? 2h। कोई डाउट इसमें? 2h हो गया। आगे हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। जब ये बॉल स्टार्टिंग में चली थी तो इसके दो कंपोनेंट थे वेलोसिटी के, एक ux और एक uy। मैंने कंपोनेंट लिखे नहीं, बट जो भी इसके इनिशियल और जो इनिशियल कंपोनेंट्स होंगे, एक ux होगा एक uy होगा। तो ux की वैल्यू जो भी होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो जब ये बॉल यहां से यहां आ रही है, x एक्सिस में डिस्टेंस 2h है, कवरिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी? ux 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 ux, और टाइम टेकन यहां से यहां जाने का कितना है? डेल्टा टी। एक काम करते हैं, इस जर्नी में, इस जर्नी का मतलब बिटवीन 2 walls, हम इक्वेशन लगाते हैं s = vt, s की जगह क्या पुट करेंगे? 2h, वेलोसिटी की जगह क्या पुट करेंगे? ux, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और टाइम की जगह क्या पुट करेंगे? डेल्टा टी। तो यहां से आपने ux निकाल दिया, ux की वैल्यू संभाल के रखो। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है क्या बनी? ठीक, फर्स्ट इक्वेशंस कैसे अप्लाई करनी है समझ में आ? आपको याद कुछ नहीं करना है इसमें, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए इक्वेशंस और रिजल्ट्स क्या बनने वाले हैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, और आपको समझ में आ रहा है यहां तक। अब एक काम करते हैं, हम वाई एक्सिस की बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये डिस्टेंस एच है और इसका एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट एच है, और वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू वाई है। और एक काम करते हैं, हम y एक्सिस में इक्वेशन अप्लाई करते हैं, s इज ut + 1/2 at2, s की जगह क्या पुट करते हैं? h, वेलोसिटी की जगह क्या पुट करते हैं? इनिशियल वर्टिकल uy, into time taken t in covering a displacement of h,
हाफ एक्सेलेरेशन, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। तो किसी ने पूछा सर इसमें ये टाइम कौन सा टाइम आया, मैंने कहा ये टाइम यहाँ से जो टी मैं पुट कर रहा हूँ, इस टी का मतलब है कि एच डिस्टेंस कवर करने का टाइम। तो उस स्टूडेंट ने पूछा सर एच तो दो दो दिख रहे हैं मुझे, आपने इस एच के लिए इक्वेशन लगाई या फिर इस एच के लिए इक्वेशन लगाई, क्योंकि दोनों का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एच है, ठीक है। तो आपने कौन सा टाइम पुट किया, ये वाला टाइम निकलेगा अगर सॉल्व किया जाएगा कि ये वाला निकलेगा। तो मैंने कहा एक काम करो, इसकी ना टाइम में क्वाड्रेटिक बनाओ, टी स्क्वायर टी और एच सिंप्लीफाई करके इसके दो रूट्स निकालो, जो दो रूट्स आएंगे वो एग्जैक्टली आपको दो टाइम देंगे, और एक टाइम क्या होगा फर्स्ट टावर पे पहुंचने का टाइम, और दूसरा टाइम क्या होगा सेकंड टावर पे पहुंचने का टाइम। तो पहले टावर पे पहुंचने का टाइम टी वन आपने इसमें रूट निकाल लिए इसके, सेकंड पे पहुंचने का टाइम ये रहा। क्लियर है यहां तक? वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये छोटा टाइम है माइनस है और ये थोड़ा बड़ा टाइम है। तो ये पहले टावर पे पहुंचने का टाइम है और ये दूसरे टावर पे पहुंचने का टाइम है, और टाइम इंटरवल क्या होगा इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो मेरे पास क्या जाएगा टाइम का इंटरवल। तो मैंने बड़े टाइम में से छोटे टाइम को क्या कर दिया माइनस, क्योंकि टी वन का मैग्नीट्यूड इसमें बड़ा है और टी टू का छोटा है, तो दोनों को मैंने माइनस किया। तो दोनों को माइनस करके क्या आएगा डेल्टा टी, कोई डाउट इसमें? तो जब आप इन दोनों रूट्स को माइनस करेंगे तो आपके पास ये डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, ये डेल्टा टी आ गया, ये डेल्टा टी इसके इक्वल आ गया। एक काम करते हैं इसमें से यू आई को निकालते हैं बाहर, इनको स्क्वेयरिंग करते हैं, डेल्टा टी का स्क्वायर ये सब सेट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू वाई स्क्वायर एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ। अब आपको यू एक्स पता लग चुका है, आपको यू आई पता लग चुका है, यू आई स्क्वायर पता लग चुका है, सिर्फ अब मुझे ये बताओ कि जब ये बॉल चली थी तो टोटल वेलोसिटी ये थी, टोटल वेलोसिटी इज वेक्टर सम ऑफ यू एक्स एंड यू वाई। तो वेक्टर सम बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है कि v इज इक्वल टू व्हाट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, या स्क्वेयरिंग करके v स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर मैं कर सकता हूं। तो मैंने यही किया, मैंने यहां पर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर इज v स्क्वायर, इनिशियल हमें यू एक्स पता है, इनिशियल यू वाई पता है, इनिशियल टोटल वेलोसिटी पता है, यू एक्स की वैल्यू ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दी डेल्टा टी की टर्म में, यू आई स्क्वायर पूरे का पूरा यहां पर पुट कर दिया, स्क्वेयरिंग किया, और यहां से डेल्टा टी की वैल्यू फिर से क्वाड्रेटिक बनी। देखो ये डेल्टा टी का स्क्वायर है, ये भी डेल्टा टी का स्क्वायर है, हो सकते ना भी बने, पर सॉल्व करके डेल्टा टी की ये वैल्यू आएगी, ठीक। हमें डेल्टा टी निकालना है। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, मुझे पता भी कैसे करना है, तो मेरा मन कहता है कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे ना तो चार क्वेश्चन लेके डूबेगा, ये तो हुआ ना हुआ मुझे पता नहीं, पर चार जरूर साथ में उड़ जाएंगे। इसका फॉर्मूला लिखो बॉक्स में डाल के, पॉइंट टू रिमेंबर शॉर्टकट फॉर्मूला। तो आज के बाद क्या करेंगे, अगर टाइम इंटरवल निकालने आपको डेल्टा टी, तो ये कुछ नहीं करेंगे, बस सीधा फॉर्मूला लगाएंगे टू इंटू अंडर रूट ऑफ एच बाई जी, डन। तो दो दीवारों का टाइम कैन बी कैलकुलेटेड, बस। अब ठीक लग रहा है एंड वाला, ठीक है। तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट बताने के लिए बताया कि देखो इस टाइप से क्वेश्चन चलते हैं, पर अदरवाइज हम सीधा क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। कोई डाउट इसमें? आई होप ये फॉर्मूले वाला मेथड सबसे सही है इस क्वेश्चन के लिए, हालांकि मेरी कोशिश रहती है हम फॉर्मूलाज कम याद करें, बट ऐसे क्वेश्चन का कोई इलाज नहीं है, ऐसे क्वेश्चन का ये ठीक है। बोल भाई। हाँ हाँ ये मैं मानता हूँ, अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो शॉर्टकट की प्रॉब्लम यही तो होती है, मैं शॉर्टकट क्यों नहीं कराता, कल को पीछे से क्वेश्चन चेंज हो गया तो फंस गए। तो इसलिए ये फॉर्मूला इसी क्वेश्चन के लिए चलने वाला है, नया आया तो फिर जो होगा फिर नए टाइप से देखेंगे वहाँ जो होगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता फिर यार, बच्चे को पेपर भी क्लियर करवाना है कि बस एक ही क्वेश्चन देना है, ठीक नहीं आएगा, पर अगर ये आ गया फिर तो ठीक है ना। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें कोई टेंशन नहीं, आप प्लीज क्वेश्चन नंबर फोर को एक बार स्टेटमेंट को पढ़ें और देखें क्या क्वेश्चन है।
प्रोजेक्टाइल मोशन तक थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, फिजिक्स की जो जर्नी, मुझे नहीं पता आपको कैसी लगती है, पर प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा ट्रिकी लगता है लोगों को वैसे, आपकी मतलब जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मतलब ये दिमाग लगाना इतना कि इधर गई बॉल इधर गई, थोड़ा सा ब्रेन ज़्यादा कंज्यूम करता है ये, फिर मैथ्स भी चाहिए सॉल्व करने के, दोनों चीज़ें चाहिए। बट जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मे बी नेक्स्ट टाइम, फोर्स, आपको बहुत मज़ा आने वाला है फोर्स में, क्योंकि फोर्स बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और सबसे बड़ी बात इतना भी दिमाग कंज्यूम नहीं करता और याद उसको करना नहीं है, बस जो है उसी टाइम, कैलकुलस से भी आसान है, उसी टाइम साथ की साथ हो जाएगा, आपको मज़ा आएगा उसमें, मतलब प्रोजेक्टाइल से डाउन फील करोगे, लेवल आपको लगेगा कि थोड़ा नीचे हुआ, ठीक लगेगा, ईजी लगेगा आपको, ये जर्नी फ्लैट चलती रहेगी ईजी की तरफ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वो तो टर्बुलेंस तो रहती रहती है, कहीं भी जाओगे आप झटके लगेंगे ही लगेंगे, तो कभी कभी इसमें लग जाते हैं, कभी हर चैप्टर में एक बार तो लगता ही है बीच में, बट ऑन एवरेज अगला जो स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस होगा वो रोटेशनल मोशन में लगता है लोगों को, तो अभी उसमें 2 महीने हैं, मैं वॉर्न कर दूंगा आपको थोड़ा अलर्ट होके पढ़ना, और फिलहाल इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रोजेक्टाइल, ये जो बेस बिल्डिंग है फोर्स, तो हम नेक्स्ट टाइम से फोर्स स्टार्ट करने वाले हैं एंड फोर्स एंड बियॉन्ड, कई लोग बोलते हैं फिजिक्स स्टार्ट कब होगी, हाँ तो अब फोर्स से स्टार्ट होगी, न्यूटन के लॉज आने वाले हैं तो उससे एक्चुअल में स्टार्ट होती है, ये सारा बेस बिल्डिंग है जितना भी है। मेंस वालों को जब एक क्वेश्चन आएगा काइनेमेटिक्स में से, या तो वो मोशन में से आएगा, या वो प्रोजेक्टाइल में से आएगा, या वो वेक्टर में से आएगा, या वो मोशन वांडी में से आएगा, एक आएगा इन 4 यूनिट्स में से, तो मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा है 2 महीने की, और इसकी आउटपुट हमारी कम है सिर्फ एक क्वेश्चन की, लेकिन हमारे पास कुछ यूनिट्स ऐसे हैं थर्मोडायनेमिक्स जो आने वाले चैप्टर्स हैं जो कि स्पेशली अक्टूबर एंड बियॉन्ड स्टार्ट होंगे, बिलीव मी 20 दिन की इन्वेस्टमेंट है एक यूनिट में, और 3-3 क्वेश्चन निकल के आएंगे मेंस, और नीट में तो 5-5 निकल के आएंगे, तो इतना मतलब हाई पोटेंशियल चैप्टर्स हैं, तो मेरा ये मानना है कि उस पर हमें बहुत स्ट्रेस दे के आराम से उसको तैयारी करनी चाहिए, तो यहाँ से निकलेंगे तो तभी शीट्स दे रहा हूँ मैं ताकि जल्द से जल्द हम उस चैप्टर पर पहुँचें, ठीक, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड ऑफ यू या वी, वी वेलोसिटी से ये मूव करता है प्रोजेक्टाइल और थीटा एंगल पर है, और आप वो कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी सुनते ही मेरे माइंड में क्या आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी निकालो जब कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में, बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करके क्या आएगी नेट डिस्प्लेसमेंट, तो ये हाइट को क्या बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, इसे क्या बोलते हैं आर बाई टू, रेंज का आधा, हाफ ऑफ रेंज, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पाइथागोरस लगाएं अंडर रूट ऑफ एच एम स्क्वायर प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर, पुट आउट इसमें, ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाल दी अंडर रूट ऑफ एच एम स्क्वायर प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर, और टोटल टाइम क्या होगा, यहां से टॉप के टॉप तक पहुंचने में टाइम क्या लगता है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट को कैसे लिखते हैं, हाँ वी साइन थीटा पाई जी, मैंने हाफ ऑफ टाइम ऑफ लाइट लिख दिया, एक ही बात है, तो एच एम का फॉर्मूला पुट कर लिया वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, रेंज का फॉर्मूला पुट किया, रेंज के फॉर्मूले में साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 sin θ cos थीटा, स्क्वेयरिंग करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे, ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन आएगा, क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, कर लोगे ये सॉल्व, कोई डाउट इसमें, तो ये मेरे ख्याल से अपनी रेंज में क्वेश्चन है और ये हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इनकरेक्ट था, मैंने उड़ाई दिया, मिटा दिया, क्वेश्चन नंबर 6 देखो प्लीज, और कितने लोगों को इसका कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन समझ में आ गया मुझे ये भी प्लीज हाथ खड़ा करके बताओ।
देखते लोग वो समझ में आ गया ये क्या किया इसने, आ गया समझ में? बढ़िया। प्रोजेक्टाइल ए को तो, एक प्रोजेक्टाइल को हमने कैसे फेंका? एक प्रोजेक्टाइल को तो हमने, या एक बॉडी को तो फेंका सीधा, एक को फेंका प्रोजेक्टाइल की तरह इस तरीके से टेढ़ा। तो क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूं कि इनकी टक्कर हो जाए, तो इसमें वी वन वी टू की वेलोसिटी की रेशियो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। और मैंने इसका सोल्यूशन ऐसे बनाया कि अगर मैं, अगर आप चाहते हो कि इनकी कोलिजन हो जाए तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल सेम अगर नहीं भी हुआ तो चलेगा, कि वो भी सेम होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी सेम होना चाहिए। क्या इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है? अच्छा बताओ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? जीरो है, ये हॉरिजॉन्टल मूव कहां कर रहा है, और इसका कितना है? वी वन कॉस, टक्कर तो तब भी होगी ना, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ऐसे समझते हैं, मैं ना चाहता हूं कि दो बॉडीज की टक्कर हो, और इमेजिन करो कि दोनों बॉडीज फिलहाल के लिए, मैं चाहता हूं थोड़ी देर में टक्कर हो, फिलहाल ये चाहता हूं ये ऊपर जाएं पहले। सोचो एक की वेलोसिटी वर्टिकल की कम है, एक की ज्यादा है। मैंने कहा दो मिनट रोको, आपने यहां स्टिल किया दो मिनट, मैंने कहा एक काम करो इनकी हॉरिजॉन्टल मोशन शुरू करो और इनकी टक्कर करवाओ। आप कहोगे टक्कर कहां से होगी, एक की वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा थी एक की कम थी, तो एक तो निकल गया ऊपर एक नीचे चल रहा है, अब नहीं इनकी टक्कर हो सकती। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चाहे स्लो अगर कम होगी तो हद से हद क्या होगा, इनकी टक्कर लेट हो जाएगी, ज्यादा होगी तो जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर वर्टिकल कंपोनेंट कम ज्यादा हुई फिर समझो इनकी टक्कर हो नहीं सकती, क्योंकि ये वो हाइट अटेन नहीं कर पाएगी जो इसने की। तो अगर आप चाहते हो कि इनकी कोलिजन हो तो इमेजिन कर लो कि इसके दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, अभी दो मिनट इसको मत देखना हॉरिजॉन्टल वाले को, सोचना सिर्फ वर्टिकल ही वर्टिकल है और ये बॉडी सीधी जा रही है, थोड़ी देर बाद इसको ऑन करेंगे। तो इमेजिन करो जब ये दोनों ऊपर जा रहे हैं तो एटलीस्ट दोनों हाइट तो सेम अटेन करें, फिर आप अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका ऑन करोगे तो ये इसका ऑन करोगे तो इधर मूव करती हुई इसको टक्कर मार देगी। तो यानी कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट सेम ना हुए फिर तो सेम हाइट पे आ ही नहीं पाएंगे, फिर इनकी टक्कर नहीं हो सकती। तो अगर आप चाहते हो कि ये कहीं जाके इसे कोलाइड करे तो वर्टिकल कंपोनेंट तो एटलीस्ट दोनों के सेम होने ही चाहिए, तभी वो एक इक्वल हाइट को अटेन कर पाएंगे, नहीं तो अटेन नहीं कर पाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने क्या किया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट स्ट्रेट अवे वी टू है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी वन साइन 30 है, दोनों को इक्वेट किया, साइन 30 की वैल्यू पुट की 1/2 और वी टू और वी वन की रेशियो निकाल ली 1:2। कोई डाउट इसमें? फिर से अगर आप चाहते हो इनकी टक्कर हो तो इमेजिन करो, अभी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बाद में बात, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसको यहां लेके जा रहा है, इसको दो मिनट भूल जाओ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 10 है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 2 है, यार ये इसको ना पकड़ नहीं पाएगा, टक्कर कहां से करेगा? अगर ये इधर मुड़ता भी है तो ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर निकल गया। अगर ये इकट्ठे चल रहे हैं और आप इसकी हॉरिजॉन्टल ऑन करते हो फिर देर चांस कि इसको आके हिट करेगा, तो कम से कम वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम होने चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि कोलिजन हो इन टाइप के क्वेश्चन में तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट को आपने सेम कर देना है, कोलिजन हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड करना क्या है क्वेश्चन, और आपको लगता है कि क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, क्या हुआ है? किया हुआ है लगता, कितने लोगों को लगता है कि किया हुआ है? अच्छा, जिनको लगता है और भूल गया तो उनको याद दिला दूं, सब्जेक्टिव शीट नंबर 13 में ये 14th क्वेश्चन था हमारा, आखिरी क्वेश्चन सब्जेक्टिव शीट का, जो एनसीईआरटी की शीट थी मैंने ओपन की है, मैंने ओपन की हुई थी ये, हमने किया हुआ है कि जब एक
यहाँ से प्लेन जा रहा है और एक एंटी एयरक्राफ्ट गन इसको फायर करती है और ये इसको हिट कब करेगी आपको बताना था। लॉजिक ये था, जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा टाइम, उतने टाइम में ये बुलेट यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। दोनों का टाइम टेकन शुड बी सेम और दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम। क्योंकि अगर ये बुलेट इसको यहाँ हिट करती है तो बुलेट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या माना जाएगा, ए बी, और प्लेन का भी क्या माना जाएगा, ए बी। तो आप नोट कर सकते हो फाइटर प्लेन की वेलोसिटी इस क्वेश्चन में कांस्टेंट थी। फाइटर प्लेन के लिए डिस्प्लेस एस इज इक्वल टू वी टी, डिस्प्लेसमेंट ए बी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में इनटू टाइम टी, और वाई एक्स, और बुलेट के लिए एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 60 इंटू साइन थीटा थी। बुलेट के लिए फिर से इक्वेशन सेम अप्लाई की हमने एस इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ए बी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम टी, इन्हें इक्वेट किया था, आंसर आया था। तो ऐसा कुछ हमने किया हुआ है इस क्वेश्चन में, और हमारे गिवन क्वेश्चन में ये फर्क है कि इस उस क्वेश्चन में प्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से था, इसमें प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है विद 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, बस ये फर्क है। तो क्वेश्चन वही है, एक फाइटर प्लेन है, वेलोसिटी 250 है, मूव्स हॉरिजॉन्टली है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 है, एनिमी टैंक है बॉर्डर पे, प्लेन को आइडेंटिफाई करता है, 60 डिग्री पे बुलेट चलाता है वेलोसिटी 600 के साथ। आपको बताना है प्लेन कितनी हाइट पर जा रहा है। तो जितनी देर में ये बुलेट यहाँ पहुँचेगा उतनी देर में ये प्लेन यहाँ पहुँचेगा और इनकी क्या हो जाएगी, कोलिशन। आप ये चाहते हो तो टाइम फैक्टर दोनों में एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। डाउट इसमें टाइम की वैल्यू इसमें सेम रखेंगे। तो मान लो बुलेट ने हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स, तो बोलो प्लेन ने भी कितना कवर किया, एक्स। तो प्लेन की जो इक्वेशन बनेगी वो हमने पिछले क्वेश्चन में एस इज वी टी लगाया था प्लेन की वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट थी। इस क्वेश्चन में प्लेन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वी कैन अप्लाई एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो प्लेन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या मानी जाएगी, एक्स, बुलेट की एक्स तो प्लेन की भी एक्स, और इनिशियल वेलोसिटी बुलेट इसकी प्लेन की 250, टी टाइम हाफ एक्सेलरेशन गिवन टी स्क्वायर। तो प्लेन की इक्वेशन अब, क्योंकि प्लेन की एक्सेलरेशन है, वी हैव टू अप्लाई एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? और बुलेट के लिए, ये बुलेट है, बुलेट के लिए हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या होगी, 600 कॉस 60, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक्स, टाइम टी। तो बुलेट की हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वी कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी, एस की जगह एक्स, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल इनटू टी। तो आप बुलेट का और इस प्लेन का एक्स को इक्वेट कर लें, इस इक्वेशन को इसके इक्वल कर लें, इसे सॉल्व करें, सॉल्व करके क्या जाएगा, टाइम। टाइम की कैलकुलेशंस कर लेना, यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है, पूरे पूरे स्टेप्स। टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड आ जाएगी। हमने क्या निकालनी है, हाइट h। तो एक काम करते हैं, h डिस्टेंस बताओ y एक्सिस में है कि x एक्सिस में, y में। तो आप बुलेट के लिए, क्योंकि बुलेट जब चला तो बुलेट यहां से यहां आया, बुलेट का x में डिस्टेंस कितना है, x, बुलेट का y में डिस्टेंस कितना है, h। तो आप बुलेट के लिए अप्लाई करो s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बुलेट के लिए हाइट कितनी है, h इज इक्वल टू वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी बुलेट की चेक कर लो, 600 साइन 60, और टाइम टेकन कितना है बुलेट का, 5 हाफ एक्सेलरेशन बुलेट की माइनस जी, जी को मैंने 10 लिया, इनटू टाइम का स्क्वायर। तो बुलेट के लिए वाई एक्सिस का डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि बुलेट का जो वाई का डिस्टेंस है वही प्लेन की हाइट है। क्या स्टेप क्लियर है? तो बुलेट के लिए वाई एक्सिस में हाइट निकाल लेते हैं 5 सेकेंड में, क्योंकि बुलेट भी एग्जैक्टली वही हाइट कवर करने वाला है जहां पर, जिस हाइट पर प्लेन उड़ रहा है, और प्लेन एच हाइट पर उड़ रहा है, तो बुलेट का वर्टिकल डिस्टेंस भी एच है। तो बुलेट के लिए इक्वेशन लगाई हमने यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई एक्सिस में, एच की वैल्यू आ गई और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मैंने खुद सॉल्व किया है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक आइडिया समझ में आ रहा है। देखो आप एक चीज मजे की देखो, प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन दो ही यूज हो रही है, मैक्सिमम तीन, एक एस इज वी टी, एक एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक v इज इक्वल टू यू प्लस
80, सिर्फ तीन ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, पूरा प्रोजेक्टाइल इन तीन ही क्वेश्चन पे चल खत्म होने वाला है। तो ये सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस है, अगर इसमें दिक्कत है और लगानी नहीं आ रही तो वो सिर्फ ध्यान की कमी है, कि अगर ध्यान से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको प्रोजेक्टाइल सबसे आसान चैप्टर में से लगेगा, क्योंकि तीन ही क्वेश्चन यू से ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, ऐसे चैप्टर कहाँ मिलेंगे बताओ। ठीक है यहाँ तक? ये क्वेश्चन पढ़ना जरा, क्या क्वेश्चन है चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक। क्वेश्चन में एक प्रोजेक्टाइल को तो चलाया हॉरिजॉन्टल और एक को चलाया एट एन एंगल ऑफ 60। तो ये प्रोजेक्टाइल यहां पे आया और ये प्रोजेक्टाइल यहां पे आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ये चाहता हूं कि दोनों इकट्ठे लैंड करें और इनकी कोलिजन हो जाए, लैंड करती दोनों इकट्ठे मीट करें। तो आपको यह बताना है कितनी हाइट एच होगी जिससे कि इसको घेरा जाए ताकि ये उतरते हुए इसको यहां पर कोलाइड करे। तो मुझे ये भी समझ में आता है जितने टाइम में, क्योंकि चले दोनों इकट्ठे थे, तो जितने टाइम में ये यहां से यहां आएगा उतने टाइम में ही ये यहां से यहां आना चाहिए ताकि दोनों क्या हो जाए, कोलाइड हो जाए। अगर टाइम आगे पीछे हो गया, एक पहले उतर जाएगा और एक लेट उतरेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपस में कोलाइड नहीं कर सकते। डाउट इसमें तो टाइम एकदम परफेक्ट होना चाहिए गिरने का, तो कोलिजन होगी।
इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2v sin θ/g, ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है। और दूसरी बॉडी का टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे नीचे उतरने का, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0, हाइट कितनी है y एक्सिस में h, तो यू कैन अप्लाई h इज इक्वल टू 0 + 1/2 gt² वेयर t इज द टाइम जो बॉल नीचे उतरने में लगा रही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2h/g का अंडर रूट। अब टाइम दोनों का एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, सेम, इन दोनों को मैंने इक्वेट कर लिया, इक्वेट किया, स्क्वेयरिंग की, सॉल्व किया, एच की वैल्यू आ गई। तो आपको निकालना है एच की क्या वैल्यू हो, तो एच तो अपने आप ही आ जाएगा जब आप दोनों के टाइम को फ्लाइट को क्या करोगे, इक्वेट करोगे। कोई डाउट इसमें क्लियर है? ये भी इजी क्वेश्चन है मेरे को लगता है, मतलब अपनी रेंज में ये हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम ऐसे दो क्वेश्चंस किए थे, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और फिर एक बार देखें कैसे किया और बताएं कि कितने लोगों का हो गया। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया और आंसर भी समझ में आ गया कैसे किया? आपको लगता है लास्ट टाइम किया था हमने ऐसा? किया था। क्वेश्चन है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सच दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 80। तो क्वेश्चन यह है कि 30 डिग्री पे लॉन्च किया, कितने टोटल वेलोसिटी से फेंका गिवनी, इनिशियल इसके दो कंपोनेंट होंगे वी कॉस 30 वी साइन 30, इन में से इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है, 80। साइन 30 क्योंकि हाफ होता है तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, 160। तो हमें यह पता लग गया कि इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था, 160। कोई डाउट इसमें? इसको 160 की वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, ठीक। तो ये स्टेप क्लियर है। आगे क्वेश्चन ये है, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, तो कैपिटल टी है कितना, 2v sin θ/g, क्योंकि हमने वी निकाला हुआ है 160, साइन ऑफ 30 डिवाइडेड बाई जी, जी की जगह 10, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 16। उसने ये पूछा वेलोसिटी बताओ एट t/4। अब t कितने हमारे पास, 16, t/4, 16/4 क्या हो जाएगा, 4। 4 सेकंड पे बताना है इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी। शुरू में चलते ही प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है, 160, चलते ही 160 निकाल ली थी हमने। थोड़ी देर बाद 4 सेकंड के बाद मान लो प्रोजेक्टाइल यहां पे है, मुझे कैसे पता लगता है यहां पे, क्योंकि टोटल टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 16, टाइम ऑफ असेंट क्या होएगा, 8। हमने अपना क्वेश्चन कितने सेकंड में सॉल्व करना है, 4। अब 4 का मतलब यही कहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है यहां तक, तो टॉप एंड से लेफ्ट की तरफ होगा। तो एक काम करते हैं, डायग्राम को यहां से देखते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 80 वैल्यू थी,
4 सेकंड के बाद मान लो उसकी वेलोसिटी टोटल वी हो जाती है। वी के दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, वी एक्स और वी वाई। वी एक्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। आप चेक कर सकते हो ऊपर वाले डायग्राम में, जब ये प्रोजेक्टाइल चला था तो वी कॉस 30 में वी को 160 पुट करके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया था, 80√3। तो ये भी क्या रहेगा, 80√3। रादर यहाँ भी लगा लो 80√3, यहाँ लिखो 80√3, ताकि आपको याद आ जाए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ भी 80√3 और यहाँ पर भी 80√3। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? वाई कंपोनेंट में चेंज होती है। वाई कंपोनेंट में चलते वेलोसिटी कितनी थी, 80, और 4 सेकंड के बाद सपोज कितनी हो गई, वी वाई। ये भी क्लियर है? और ऐसे क्वेश्चन में क्या लगाते हैं, वाई एक्सिस में वी यू प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी वी वाई, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में 80, वी यू प्लस ए, एक्सेलरेशन कितनी -10, 9.8 की जगह 10, इनटू टाइम की जगह 4, तो किसकी वैल्यू आ गई, वी वाई की। आपको वी एक्स ऑलरेडी पता है 80√3, वी वाई आपने निकाल लिया। पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन लगाओ यहाँ पे, नेट वी की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू तो 80/80√3, वी वाई की वैल्यू 40, सॉल्व करके आंसर 140। क्या आपको मेथड समझ में आया कि 4 सेकंड के बाद आपने दो कंपोनेंट लेने हैं वेलोसिटी के और फिर नेट वेलोसिटी को निकालना है? कोई डाउट इसमें? हाँ जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है इसे? 10th क्वेश्चन रिपीट है। एवरेज वेलोसिटी जो आज हमने की थी वो पाइथागोरस लगा के लगा लो, तो ये करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11th, हाँ करेक्शन कर लेना। सच पिछले क्वेश्चन में y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी गलती से 160 लिखा गया, यहाँ पर 80 आएगा। हाँ कट करके 80 लिखो, इनिशियल वेलोसिटी 80, फाइनल वेलोसिटी वी वाई। हाँ वो ठीक ही है मैंने। लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया और कितनों को नीचे सॉल्यूशन समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसे करना है? आ गया? देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि नॉर्मली प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च करके इस तरीके से लैंड करवाया जाता है और प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है फिर इमीडिएटली नीचे उतरना शुरू कर देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल का मास गिवन है 1 kg, तो बताओ प्रोजेक्टाइल का वेट कितना है? वेट क्या होता है, m into g। 1 into g कितना है, 10। प्रोजेक्टाइल का वेट कितना है, 10 न्यूटन। तो हुआ क्या, ध्यान से देखना, वैसे ये प्रोजेक्टाइल ऊपर गया और नीचे उतरना स्टार्ट कर गया। मान लो एक बंदे ने लॉन्ग जंप मारी,
ये लॉन्ग जंप है, नीचे उतर गया। अब किसी ने क्या किया, वो 10 न्यूटन का वेट था उसका, वो जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, किसी ने उसको उसके सर से उठा लिया और ऐसे वर्टिकल फोर्स ऊपर जितना उसका वेट है, नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो 5 सेकंड के लिए हवा में और फिर उसको नीचे उतारा। ये तो 5 सेकंड की जर्नी एक्स्ट्रा हो गई, क्योंकि अदरवाइज तो इमीडिएटली वो नीचे उतर जाता। पर अब क्या हुआ, आधी जर्नी तो ठीक कर गया, टॉप मोस्ट पॉइंट तक तो पहुंच गया, पर फिर वो फ्लैट स्ट्रेट मूव करता गया और फिर वो आधी जर्नी बाद में कवर की उसने। आपको बताना है वो कितनी दूर जाके गिरा, उसकी रेंज निकालो। देखो रेंज का मतलब ग्राउंड का डिस्टेंस। अब ग्राउंड का डिस्टेंस पहले से बढ़ जाएगा क्योंकि किसी ने उठा के उसे 5 सेकंड के लिए आगे शिफ्ट कर दिया, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो एक काम करते हैं, हम अपने क्वेश्चन में ये पार्ट, फिर ये वाला और ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो मुझे दिखाई दे रहा है 5 सेकंड के लिए, अगर इसको हटा दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल समझ में आता है मुझे। ये तो अगर इनको जोड़ेंगे तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है पुराने वाला, पर ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है तो नॉर्मल रेंज तो इसकी होनी ही है। नॉर्मल रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2θg। लेकिन एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर किया वो निकाल लें, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर किया वो किस एक्सिस में कवर किया, एक्स की वाई, एक्स में किया, और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा। 5 सेकंड के लिए वो यू कॉस थीटा से मूव करता जा रहा है, तो एक्स एस इज इक्वल टू वीटी लगा लो, तो एस इज इक्वल टू वीटी में 5 सेकंड है और विद द वेलोसिटी ऑफ यू कॉस थीटा, ये तो आंसर आना ही आना था, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो ऐड किया तो रेंज आ गई, नहीं तो यू आपको पता है, थीटा आपको पता है, थीटा आपको पता है, यू आपको पता है, तो रेंज की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर ये एक्स्ट्रा पार्ट ना होता तो इसको उड़ा दो, वही रेंज आ जाएगी पुराने, एक्स्ट्रा पार्ट है तो ऐड कर दो। बोलो 250 नहीं आ रहा, चेक करना आंसर क्या आ रहा है, 500√3 आ रहा है, एक बार चेक करना प्लीज, सारे कंफर्म कर लो। इसकी वेलोसिटी क्वेश्चन में 50 की बने ना, मैंने गलती से 150 लिख दी, प्लीज यहां करेक्ट करके 50 लिख दो, अब आ जाएगा। इसको गलती से 150 लिख दिया, इट शुड बी 50 राइट, अब समझ में आया, ठीक है 50 है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है अब आ जाएगा। तो ठीक, तो आई होप ये वो एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन इसमें नॉर्मल है, ठीक है।